दोस्तों नमस्कार, नीलमा के ब्लॉग में स्वागत है। तो देखिए आज हमारा घर के सामान कैसे बिखर गया है, इधर उधर हो रहा है। इसका कारण ये है दोस्तों, हमारे घर में ना चूहा बहुत हो गया है, बहुत चूहा हो गया है। कोई भी सामान सही से नहीं रख रहा है। देखिए घर में टाइल पत्थर हर चीज़ लगा है, लेकिन चूहा पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाता है। बाप रे बाप, घर में कपड़ा काट रहा है इधर, जो प्लास्टिक वाला डब्बा है उसको भी काट दे रहा है, मतलब सारा सामान धीरे धीरे करके काट रहा है। देखिए ना इधर कोने में कितना काट काट के देखिए रखा है पीछे। तो इसीलिए पूरा सफाई कर रही हूँ, जो जिधर बेड था उधर से थोड़ा इधर कर दूँगी बेड को। पहले इस साइड था बेड, तो अभी इधर घुमा दूँगी, क्योंकि एक जगह में बेड था उसी में थोड़ा अंधेरा था तो चूहा का लगा बास मेरे, तो मेरी बादशाह तो यहीं पे है, इसलिए चूहा पूरा एकदम अपना फैमिली यहाँ पे बना लिया है, अपना खानदान जो भी है तो बना लिया, बस बादशाह बना लिया है। काफ़ी सारा चूहा हो गया था, अब दवाई भी दिए हमने चूहा मरने वाला दवाई, तो दो चार करके मर भी रहा है और भी काफ़ी सारा चूहा है। तो इसलिए हमने बेड को इधर सेट कर रहे हैं। देखिए ना कितना, देखिए कितना सामान, देखिए इधर कितना सामान पड़ा है, ये देखिए जितना बेड के अंदर सामान था ना सारा निकाले है। देखिए नहीं तो बेड जो है पूरा भारी हो जाएगा, हिला नहीं पाएंगे। इधर देखिए पेटी है, ये देखिए ट्रंक, ये इधर भी है। तो ये देखिए कहाँ 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 सामान देखिए बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। ये थोड़ा अंधेरा सा है, लाइट नहीं जलाई हूँ इसीलिए थोड़ा धुंधला सा लग रहा है, जला देती हूँ। तो इधर देखिए मेरा बाबू रोटी खा रहा है टीवी देख देख के। अरे मेरे गुड़िया रानी, गुड़िया हाय। तो देखिए गत्ता भी यहाँ पे हमने खड़ा करके रख दिया, देखिए जगह है नहीं। जितना बड़ा घर होता है ना दोस्तों उतना ही सामान होता है, सामान ज्यादा होता है घर छोटा पड़ जाता है। तो अभी अब थोड़ा जाते हैं इसको सेट कर देते हैं। ये दोस्तों ये देखिए ये क्या कहते हैं हमारे, तो हमारी भाषा में घून कहते हैं इसको। ये देखिए पूरा माटी इधर देखिए पूरा एकदम लाइन लाइन करके माटी मिट्टी को हैं नीचे से लेकर देखिए ऊपर तक एकदम पूरा अपना रास्ता बना लिया, मतलब इसके अंदर घूमता है अपना घर है ये। देखिए कितना है अच्छा अच्छा दीवार को खराब करके रख दिया है। ऐसे होता है दोस्तों, अगर बेड हैं कहीं पे भी मतलब कुछ भी सामान रह जाता है ना, अगर इसको सामान को नहीं हिलाते हैं ना तो ऐसे ही मतलब गंदगी हो जाता है। और देखिए कैसे कैसे बना दिया है, इतना खराब लग रहा देखने में हैं, कितना मट्टी मट्टी कर दिया देखिए दोस्तों। अब देखिए बेड को हमने इधर कर दिया है, अब इधर थोड़ा खाली खाली हो जाएगा, तो जो भी होगा कीड़ा मकोड़ा या चूहा उसको लगेगा भाई हमारा जगह तो खाली हो गया, हम अभी नहीं रह पाएंगे, हम कहीं और दूसरे जगह जाके बनाते हैं अपना घर, तो ही निकल जाएगा। देखिए इधर भी पेटी हो, पेटी को हिलाएंगे काफ़ी काफ़ी सारा, देखिए टुकड़ा कागज के टुकड़ा अगर है जो फॉर्म होता है फॉर्म के टुकड़ा, कितने सारे गंदगी फैला दिया है। तो बढ़िया से सेट कर देते हैं अभी। तो दोस्तों साथ में बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ऐसे तो सबके घर में होता है दोस्तों। तो आप भी देख लीजिए हमारे घर के कवाड़ कितना है और कितना बिगड़ा हुआ है, तो सेट भी थोड़ा कर लेते तो साथ में बने रहेगा दोस्तों, ठीक है। पहले इस तरफ थोड़ा पूछा लगा देते हैं। तो अभी पेटी के ऊपर जितना भी सामान है तो साइड कर देते हैं, पेटी को पहले खोलेंगे उसके अंदर जितना भी सामान है सारा निकालेंगे, तो पेटी थोड़ा होगा हल्का तो थोड़ा हिला पाएंगे पेटी को, उधर से इधर ले आ पाएंगे। तो देखिए कितने सारे कपड़े हैं, बाप रे बाप रे बाप, देखिए तो जितने कपड़ा है सारा अभी निकालेंगे पेटी के अंदर से। तो देखिए सारे बेड के ऊपर हम रख रहे हैं कपड़ा को, बाप बहुत भारी है दोस्तों बहुत भारी, तो इधर रख देते हैं। तो इधर पहले झाड़ू मार देते हैं, देखिए फोम को कितना छोटा छोटा पीस करके कितना देखिए गंदगी फैला दिया चूहों ने,
बाप रे बाप ची, कितना बदबू मार रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। हैं, ये चूहा की वजह से इतने अच्छी तरह से हमने सामान रखा था, सारा कुछ सामान को इधर उधर करना पड़ रहा है साफ करने के लिए। पहले झाड़ू मार देते हैं, फिर बाद में इधर भी पूछा लगा देंगे। दाग दाग बना दिया, अच्छा खासा टाइल को खराब कर देता है। पहले हमने पेटी का नीचे ईटा नहीं रखे थे, मोटा मोटा जो फोम होता है वो रख दिए थे, तो इसीलिए ज़्यादा चूहा लग गया था, तो इसलिए देखिए दाग दाग बना दिया बिल्कुल एकदम। पूछा लगा रही है कितना बढ़िया से, देखिए दाग को रगड़ रही है कितना अच्छी तरह से, और कितना आसानी से निकल जा रहा है दाग। अब टाइल पूरा साफ हो जा रहा है। ये दोस्तों देखिए, जो हमारी दीवार में वाल में जो दाग लगा है उसको मैं आसानी से देखिए पूछ दे रही हूँ, हैं, क्योंकि इसमें जो भी दाग लगा है ना आसानी से निकल जाता है, और कलर इससे नहीं उड़ता है क्योंकि हमारी ये प्लास्टिक पेंट किया हुआ है, रंग किया हुआ प्लास्टिक वाला, तो इसलिए देखिए आसानी से साफ हो जा रहा है। कितना बढ़िया से कोई भी दाग लगा है आसानी से निकल जा रहा है। यही इसका खूबी है, प्लास्टिक रंग का आसानी से कितना बढ़िया से दाग निकल जा रहा है। कोई भी अगर दाग लगा हो कुछ भी सारा निकल जाता है। ये देखिए दोस्तों, इधर भी देखिए कमरा में पूरा बिखरा पड़ा है। अब सारा घर की मतलब सामान सेट कर रही हूँ, देखिए कितना टाइम लग रहा करने में, बहुत कष्ट लग रहा है। देखिए सब टेबल वगैरह है, देखिए सोफा का टेबल है ग्लास वाला, और ये देखिए छोटा सा चौकी है उसके ऊपर टेबल है, उसको नीचे करना पड़ेगा, ये बहुत भारी भारी है। और देखिए उसी कमरा में जो पेटी था, जो ट्रंक था, उसको इधर ले आए हैं, अब इधर रखेंगे। चलिए अब पूरा सेट करके फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है, साथ में बने रहिएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी बिखरा हुआ जो कमरा था, देखिए कैसे, देखिए कितना सुंदर सेट हो गया है। ये देखिए हमने कर दिया हमारा छोटा सा कमरा, हमारा छोटा सा घर में जो सामान हमारा इतना सारा था, हमने कैसे सेट कर दिया देखिए इतना बढ़िया से। ये मेरे बाबू का झूलना है, इसी झूलना में हमने थोड़ा बहुत कपड़ा भी देखिए लटका दिया है, इस तरह से रख दिए हैं कपड़ा। ये देखिए तो पता नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, हमें तो दोस्तों अच्छा लग रहा है। अभी आप लोग पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लोगों को, तो हमें तो खूब अच्छा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर से सेट कर दिए हैं ये देखिए, और इधर हमने फ्रिज भी रख दिए हैं, ये देखिए कोने में, ये देखिए पूरा हमारा ये कमरा पूरा सेट हो गया है। अभी हम आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं जो सेट करके रखा था। तो ये हमारा गैलरी है, ये देखिए हमारा टीवी चल रहा है, ये हमारा सोफा है, ये देखिए इसको भी बढ़िया से सेट कर दिया है, ऐसे सेट ही रहता है ये हमेशा, तो भी हमने सेट कर दिया। तो देखिए हमारा सिलाई करने वाला मशीन है, तो हमने यहाँ पर ला कर रख दिया है, ठीक है, उजला में रहेगा तो कभी भी फट से बैठ के कपड़ा सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा लाइट जला देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमने पेटी ला कर रख दिया है बढ़िया से, ये देखिए ये कांच का गिलास है, ये देखिए ये मेरे भारजी लड़की यहाँ पे सोती है, तो ये छोटा सा बेड है, और यहाँ पे टेबल है, और यहाँ देखिए सोफा का टेबल है ये कांच वाला, यहाँ पर रख दिए हैं जो हम वीडियो बनाते लाइट जो होता है ये वाला लाइट, ये है, ये है छोटा सा कमरा जो बिखरा हुआ था कमरा, देखिए हमने कितना बढ़िया से सेट कर दिया। तो ये दोस्तों हमारा छोटा सा मतलब घर का छोटा छोटा कमरा के, हाँ सामान तो है बहुत सारा, लेकिन सेट कर दिया तो कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हमारे जो हमने दो कमरा को मतलब ऐसे सामान को ऐसे बिखार दिया था, मतलब चूहा काफ़ी हो गया था ना, तो उसके कारण हमें सामान को इधर उधर करना पड़ा और सामान को बढ़िया सेट करके रखना पड़ा, नहीं तो चूहा ना दोस्तों इतना हो गया था कि सारे काट काट के ना एकदम पूरा
एकदम बर्बाद कर दिया था, तो इसलिए भगाने के लिए तो हमने तो बेड के नीचे पहले हमने ईटा नहीं दिए थे, अब ईटा दे दिए कि ऊंचा होने के लिए झाड़ू पोछा बढ़िया से लगा पाए, तभी तो चूहा अंदर नहीं रह पाएगा, मतलब अपना बासा नहीं बना पाएगा। और दूसरा कमरा, दो कमरा हमने सेट किया है आज, बाकी कमरा अभी नहीं सेट करेंगे, बाद में करेंगे, बाकी कमरा ठीक है, लेकिन जो दोनों कमरा में पूरा मतलब चूहा को भर गया था तो दोनों कमरा हमने सेट कर दिया है, तो बहुत अच्छी तरह से किया है, मतलब सामान काफ़ी था तो कमरा थोड़ा छोटा है तो उसी हिसाब से हमने सामान को सेट कर दिया बढ़िया से, तो अच्छा लग रहा है, आप लोग तो देख ही लिए है, अगर अच्छा लगा है हमारा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और साथ में बने रखिएगा, अगर नया आया है तो हमारे चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी का कमरा का वीडियो फिर आपको फिर बाद में बना कर दिखाऊंगी, ठीक है, जब सेट करेंगे और बढ़िया से। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था, तो फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तो बाय बाय।